गोरखपुर लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की सरगर्मियां हुई तेज। गोरखपुर लोकसभा के सैजनवा विधानसभा में समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व MLC राजपाल कश्यप ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर जमकर बरसे कश्यप। कश्यप ने कहा, बीजेपी सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात कर रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह सिर्फ तानाशाही के दम पर सरकार बनाना चाह रही है। कश्यप ने कहा कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने वाली है। देखिए, 2024 का लोकतंत्र का महापर्व और बीजेपी एक तरफ लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहती है, जिस लोकतंत्र और संविधान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी और इस लोकतंत्र को आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। आज बीजेपी पुनः इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाहिए, यहाँ की सभी स्वतंत्र संस्थाओं को अपने कब्जे में लेना चाहिए और चारों स्तंभों को खत्म करके यहाँ पे पुनः राजतंत्र जैसी व्यवस्था लाना चाहिए। उसके खिलाफ 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो बना उसके साथ में PDA का जो नारा माननीय अखिलेश यादव, उनके हक अधिकार की जो बात की, जाति जनगणना की बात की और बीजेपी जिस तरीके से रोजी रोजगार खत्म करके यहाँ के देश के लोगों को गरीब बना के और गुलाम बनाना चाहती है, उस षड्यंत्र के खिलाफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में चट्टान बन के मोदी को रोकने के लिए खड़ा है, बीजेपी को रोकने के लिए खड़ा है। और मोदी बीजेपी नहीं, इनकी नीतियों को रोकने के लिए खड़ा है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, किसान परेशान है, आय दुगनी हुई नहीं, एक भी परीक्षा करा नहीं पाए, सारे पेपर लीक हुए और 10 बरस की केंद्र की सरकार, 7 बरस की उत्तर प्रदेश की सरकार, 17 बरस की डबल इंजन सरकार फेल हो गई है। अब इसका इंजन बदलने जनता जा रही है, अब जनता इंजन बदलेगी और देश में प्रधानमंत्री नया लाएगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारी मतों से विजयी होके आ रहा है, क्योंकि मैं पश्चिम से देखता चला आ रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी का सफाया कर दिया और यहाँ गोरखपुर तक तो आंधी तूफान आ चुका है। अब जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो रहा, अब इस चुनाव की बागडोर जनता ने ले ली है, विभिन्न जाति वर्ग धर्मों का बंधन तोड़ के ले ली है और इस तरीके से दलों का भी बंधन तोड़ के लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। विभिन्न दलों में बैठे पदाधिकारी भी संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए विभिन्न दलों के भी लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। बीजेपी का ये चाल चलन चरित्र है, जात सूचक से अपमानित करना, जातियों में बांटना, धर्मों में बांटना, आपस में भाईचारा खराब करना, ये तो बीजेपी का चरित्र रहा है। बीजेपी किस तरीके से जो सत्ता के नशे में घमंड में चूर है, इनका जो नशा चकनाचूर करने का काम जनता करेगी। जनता जिस जनता को अपमानित कर रहे हैं, समाजों को अपमानित कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो, सबको तो अपमानित कर रहे हैं, सबको अपमानित कर रहे हैं, व्यापारी को अपमानित कर रहे हैं, किसान को अपमानित कर रहे हैं, नौजवान को अपमानित कर रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, कोई ऐसा बचा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा दिया। पहली तारीख को देख लेना, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पहले नंबर पे ही होगा और 4 तारीख को जो 400 पर पार का नारा दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में 4 भी सीट नहीं पाएंगे।